संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगा एसएससी जेई का, क्योंकि एसएससी जेई एक हर डिप्लोमा के बच्चों का ख्वाब होता है और चाहते हैं वो कि एसएससी जेई निकाल दिया जाए। तो आज का वीडियो में आप लगातार बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि एसएससी जेई 2018 और 2019 में भी चूंकि फॉर्म आ चुका है और टोटल सिलेबस क्या है, कैसे आप तैयारी करें और क्या पूरे तैयारी का सिस्टम रहेगा। चूंकि हम लोग अपने सेंटर में भी एसएससी जेई के ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप ऑनलाइन भी इस सारे डिटेल को देख सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है। तो चलिए इस वीडियो में लगातार बनते हैं और सर हमारे साथ सुभरजीत सर हैं जो आपको ये पूरे एसएससी जेई का डिटेल बताएंगे और सर खुद मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए हैं और उनका एक अच्छा तजुर्बा है जो आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुभजीत है और मैं आज यहाँ पे संस्कार टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में आपको डिप्लोमा के लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे जो भी सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल्स के जॉब एग्जाम होते हैं, उनके लिए आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर डिप्लोमास के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन हम लोग आज उसमें से एक एग्जाम को लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो भी बच्चे डिप्लोमा अपने डिप्लोमा में बहुत अच्छा कर रहे हैं और चाहते हैं कि डिप्लोमा मतलब अपने इंजीनियरिंग को ही लेके आगे बढ़े, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे ठीक है, हमारे पास ठीक है एक एग्जामिनेशन कमीशन है जिसको हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, इन शॉर्ट हम लोग एसएससी भी कहते हैं उसको। उस एसएससी ने एक छोटा सा पोस्ट निकाला है, एक छोटा सा डिवीजन है जिसका नाम जूनियर इंजीनियर का है। वही 2019 में इस साल दो बार 2018 वैकेंसी के लिए और 2019 वैकेंसी के लिए एसएससी जूनियर एग्जामिनेशन का वैकेंसी निकाला गया है। एसएससी जूनियर एग्जामिनेशन जो होता है वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है, लेकिन उसमें बीई और बीटेक के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी वही पेपर होगा जो आपके लिए पेपर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं एसएससी जेई के ऊपर कि एसएससी जेई में होता क्या है, कितने पेपर्स होते हैं और एग्जाम्स कैसे होता है। तो अगर हम लोग बढ़ते हैं उस चीज के ऊपर, तो हम लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं क्या कि एसएससी जेई जो होता है वो तीन ब्रांचेस के लिए मेनली होता है। सबसे पहला ब्रांच जो होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए होता है, दूसरा सिविल इंजीनियरिंग के लिए होता है और तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है। अगर क्योंकि 2019 का कोई भी वैकेंसी लिस्ट अभी तक ऑफिशियली एसएससी के द्वारा नहीं रिलीज किया गया है, इसीलिए जो 2018 का वैकेंसी लिस्ट हम लोग के पास है जो ऑफिशियली एसएससी रिलीज कर चुका है, उसके ऊपर हम लोग ये बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो 2018 वैकेंसीज के ऊपर है वो ये है कि 1601 वैकेंसी उस चीज के ऊपर है। हम लोग फिर देख रहे हैं कि उसमें क्या कि तीन ब्रांचेस के ऊपर कितने टोटल वैकेंसीज हैं। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए 1297 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 72 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 206 वैकेंसी है। क्योंकि 2018 का एग्जाम और आपका फॉर्म फिलिंग डेट पार हो चुका है जो कि था 1 फरवरी में, तो इसके लिए हम लोग तो कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब कोई जितने भी बच्चे इन फॉर्म को भर चुके वो तो भर ही चुके होंगे। हम लोग मेनली इस चीज के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं कि 2019 में आप लोग एसएससी जेई चाहे वो तीनों में से कोई भी ब्रांच हो किस तरह प्रिपरेशन करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है कि किस तरह डिवीजन टूटा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर टूटा हुआ है और आप किस तरह एडमिशन ले, इसमें किस तरह आप आगे जाके क्रैक कर सकते हैं। आइए फिर वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी जूनियर एग्जाम के लिए क्या है। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है, जाहिर सी बात है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा बीई बीटेक डिप्लोमा भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम वाली बात यही है कि डिप्लोमा करंट ईयर में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उनको पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा, वही इस चीज को अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग बढ़ते हैं इसी वीडियो में आगे, तो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आपका मोड ऑफ एग्जाम क्या है एसएससी जेई के लिए। मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो आपका प्योर ऑनलाइन है, जो मोड ऑफ एग्जाम है आपका वो ऑनलाइन एग्जाम है एंड ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन एग्जाम पेपर 1 के लिए होता है,
ऑनलाइन एग्जाम पेपर वन के लिए होगा और जो ऑफलाइन एग्जाम होगा जब आप पेपर वन को पूरी तरह क्लियर कर लेंगे तो पेपर टू आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है जिसमें आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन मतलब पूरी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। तो उसको देखेंगे हम जो थोड़ी देर बाद। हम लोग जब पेपर वन की तरफ आके बढ़ते हैं जो कि प्योर ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन पे चार ऑप्शन मिलेंगे आपको जिसमें से एक सही होगा, ठीक है। उसमें आपको तीन डिविजन्स में इस पेपर वन को तोड़ा गया है। सबसे पहला डिविजन जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब जो रीजनिंग हम लोग आज के डेली लाइफ में पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वही रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। सेकेंड जो चीज तोड़ा गया है वो आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पूरे 50 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है वो ये है कि डिप्लोमा में जिस तीन इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन तीनों में से किसी इंजीनियरिंग से आपने इंजीनियरिंग किया है वही इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का पूछेगा। उसी इंजीनियर का क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का पूछेगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि पेपर वन का ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना है। तो पेपर वन को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम देता है, 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 2 आवर्स का टाइम हालांकि बहुत ज्यादा कम है तीन चीजों को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अब ये ड्यूरेशन है सो है। तो बस यही, इसी चीज के ऊपर फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि पेपर टू में हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। चलिए फिर से वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि एसएससी जेई में पेपर वन की बात जो हम लोग की थी तो पेपर टू में अब क्या आता है। जब पेपर टू को हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, पेपर वन जो है वो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव है और 200 मार्क्स का आता है, जिसका डिवीजन मैंने आपको करके बताया कि जनरल इंटेलिजेंस में 50 मार्क्स आएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपको 50 मार्क्स आएंगे और जनरल इंजीनियरिंग जो भी बार तीन ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच आपने चुना होगा, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल में से, वो पूरा 100 मार्क्स का आएगा, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स का रहेगा जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा। पेपर टू की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब आप पेपर वन क्वालिफाई करेंगे तो पेपर टू के ऊपर आपको रिटन एग्जाम होगा। पेपर टू के लिए आपको रिटन एग्जाम दिया जाएगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रांच से, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पूरी तरह सब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चंस होकर आपके उनको आंसर्स लिखने होंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए आंसर लिखने होंगे। और ये जो एग्जाम होगा वो आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का एग्जाम और 2 घंटे के लिए है, ठीक। जब हम लोग पेपर टू को आप देखते हैं तो पेपर टू में टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर टू में आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको सेक्शन वाइज होंगे, ए बी सी डी, मतलब क्वेश्चन नंबर वन का 4 सेक्शन, 5 सेक्शन या 6 सेक्शन, जितना उनको मर्जी हुआ वो उतना डालते हैं, ठीक है। मिनिमम 4 तो होंगे ही, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। 8 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन आपको 4 सेक्शन होंगे, उस वैसे करते करते 4 सेक्शन में टोटल आपको 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर देना है। 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बस उसका आंसर देना है, मतलब वो ये खोज रहे हैं कि आपका नॉलेज तो अच्छा है जिसके कारण आपने पेपर टू तक पास कर लिया, लेकिन आप वो देखना चाहते हैं कि आपका राइटिंग स्किल्स कितना अच्छा है, जिसके लिए उन्होंने पेपर टू को रिटन एग्जाम का नाम दिया है। आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि एसएससी जेई में कौन कौन से पोस्ट हैं जो आपको मिलेंगे और उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके कारण आपको वो मिल सकता है। एसएससी जेई के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हुए जो भी हम लोग पिछले देख चुके हैं कि पेपर वन और पेपर टू में किस तरह मार्किंग स्कीम है, कितने देर का है, कितना मार्क्स का है, वो सब कुछ जब बात हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एसएससी जेई में जो भी तीन ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है, इन तीनों ब्रांचेस के ऊपर कौन कौन से पोस्ट जो है वो एसएससी आपको अलॉट करेगा या फिर आपको देगा या फिर आप चुन सकते हैं तीनों में से जो भी आपको सही लगे, सटीक लगे। तो नेम ऑफ द पोस्ट जो भी आपको दिख रहा है बोर्ड में वो ये है कि सेंट्रल वाटर कमीशन आपको मिलेगा, जो कि सबसे पहला पोस्ट है जो एसएससी देती है किसी भी फर्स्ट रैंकर्स, सेकंड रैंकर्स को, जो स्टार्टिंग से रैंकर्स होते हैं उनको सेंट्रल वाटर कमीशन ही मिलता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कोई और पोस्ट मिले तो वो भी वो ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पोस्ट जो एसएससी जेई देती है वो आपका सेंट्रल वाटर कमीशन का है। दूसरा जो पोस्ट आपको दिख रहा है दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट,
तीसरा डिपार्टमेंटल पोस्ट दिख रहा है, नेक्स्ट आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज दिखता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको क्या मिलता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इसलिए हम लोग का स्टैंडर्ड बन जाता है क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को देने के लिए सिर्फ पूरे इंडिया में आपका सिर्फ दो ही एग्जाम है जो इस चीज को कंडक्ट करवाता है। सबसे पहला एसएससी जिसमें आपको पोस्ट मिलेगा जूनियर इंजीनियर का, और दूसरा यूपीएससी जिसमें आपको पोस्ट मिलेगा असिस्टेंट इंजीनियर या फिर उससे भी ऊंचे वाले पोस्ट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको क्या होता है, क्योंकि आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको बहुत ज्यादा योगदान देना पड़ेगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। बाकी वाटर सेंट्रल वाटर कमीशन वाटर पब्लिक डिपार्टमेंट में जो भी चीजें होंगी वो वाटर और फ्लूड्स के ऊपर काम की जाएंगी कि कैसे काम किया जाता है फ्लूड्स में। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए पोस्ट में देखेंगे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में बीआरओ बोलते हैं, ये भी आपका गवर्नमेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जाता है। जो बीआरओ है ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आएगा जिसमें आपको रोड डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा फॉर द डिफेंस पर्पसेस। लिस्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि बीआरओ ही एक ऐसा पोस्ट है जो आपको सरलतापूर्वक मतलब सरलता से जो एग्जाम देंगे उसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एडिशनल फिजिकल और मेडिकल एग्जाम्स भी पास करने पड़ते हैं इस वाले पोस्ट के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सिस्टम, उसके बाद जो डेकोरेटेड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योरेंस, इसमें आपको जो पोस्ट मिलता है वो नेवल शिप्स, कोई भी ऐसा मटेरियल जो इंडियन गवर्नमेंट का है, मशीन जिसको आपको इंश्योर करना है कि उसका क्वालिटी सही है या नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपको पोस्ट मिलता है दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको लास्ट एक पोस्ट मिलता है। इन 9 पोस्ट में से कोई भी पोस्ट आप रेफरेंस के तौर पे पहले या बाद में चुन सकते हैं, लेकिन एसएससी जेई अपने तौर पे सबसे बड़ा पोस्ट जो देती है दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन का। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको हम बता चुके कि कितना पोस्ट 2018 के लिए निकल चुका है, तो 2019 का ऐसा कोई भी ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन वैकेंसी नहीं आ चुका है आपका एसएससी जेई के तौर पे या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तौर पे, इसलिए हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि फॉर्म फिलिंग का डेट कब है, तो फॉर्म फिलिंग का डेट जो शुरू हो रहा है वो 13 अगस्त 2019 को शुरू हो रहा है। ये जो फॉर्म फिलिंग है ये आपको 2019 SSC JEE वैकेंसी के लिए है। 2018 के लिए तो जनवरी में ही था, बहुत सारे बच्चे उसको भर चुके हैं, लेकिन 2019 के लिए स्टार्ट हो रहा है आपका 30 अगस्त 2019 को, एंड हो रहा है 12/9/2019 को। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करेंगे तो नॉर्मल जो भी डेबिट कार्ड से होता है वो पे होगा, और ऑफलाइन में आपको चालान बनाना पड़ेगा वो आपको पे करना। ऑफलाइन करें या ऑनलाइन पे करें दोनों ही सूरत में आपको 14/9/2019 को पे कर देना है। और लास्ट में जो एसएससी जेई की जो फी है दैट इज ऑल अबाउट 100 rupees, जस्ट 100 rupees। तो 100 rupees में आपको बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा औहदा, और आप अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर सके। ये उन बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा को लेकर बीई बीटेक के लिए तो है ही है, लेकिन जो डिप्लोमा को लेकर अपना थोड़ा सा आगे पुश करना चाहते हैं करियर को, तो करियर वाइज में सेंट्रल लेवल का जो जॉब है वो आपका ये बेस्ट जॉब है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम संस्कार टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पे हैं, तो संस्कार टेक्निकल जो है आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019-2018 तीनों ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए क्लासेस जो है वो बहुत जल्द शुरू कर रहा है। जो भी आपको डाउट या कॉन्टेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है, कुछ भी पूछना हो एसएससी जेई के ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। थैंक यू।